जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बसवा काला बाबा जिला दौसा में नव निर्मित कीर्ति स्तंभ कुंद कुंद सभागार एवं अतिथि भवन के रविवार 30 जून 2019 को आयोजित हुए लोकार्पण समारोह की भव्य झलकियां। कस्बे में रविवार 30 जून 2019 का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां जैन समाज के 1000 साल पुराने प्राचीन दिगंबर जैन काला बाबा मंदिर में समारोह के बीच नव निर्मित कीर्ति स्तंभ का भव्य लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही यहां आने वाले समाज के लोगों के लिए अतिथि गृह व सभा भवन का लोकार्पण भी समारोह के दौरान किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अतिथिगण हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। मुख्य अतिथिगण श्री आर के मावल परिवारजन व श्रीमान राजेंद्र के गोधा श्री धन कुमार जी दिल्ली एवं समस्त बैनाड़ा परिवार आगरा श्रीमान प्रकाश जी सेठी श्री विनय जी बैद जयपुर श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल श्री महेंद्र जी आशा जी पांड्या गुनावाले एवं श्री गणेश जी राणा जयपुर की गौरवमय उपस्थिति में ये मंगल कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में बाहर से आए जैन समाज के लोगों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। जैन समाज के इस प्राचीन मंदिर में समारोह को लेकर तैयारियां कई दिन से चल रही थी। प्रातः की मंगल बेला में शुरू हुए समारोह में अतिथि के रूप में भाग लेने आए आर के मावल किशनगढ़ के श्री अशोक पाटनी जी ने सबसे पहले परिवार सहित काला बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, यहां हुए विकास कार्यों को देखा।
इसके बाद उन्होंने समारोह के बीच पूजा अर्चना के साथ यहां स्थापित किए गए कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर जी के समीप नव निर्मित अतिथि गृह व सभा भवन का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में अखिल भारतीय तीर्थ कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राजेंद्र गोधा, श्री धन कुमार जैन दिल्ली, श्री प्रकाश चंद जैन सेठी जयपुर, श्री रतन लाल बैनाड़ा, श्री हीरा लाल बैनाड़ा आदि मौजूद रहे। अतिथियों का मंदिर कमेटी की ओर से सम्मान भी किया गया। इस मौके पर श्री मानक चंद जैन, एडवोकेट श्री सुबोध जैन, श्री सुधीर जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुमित कुमार जैन, श्री राजेंद्र जैन, श्री चेतन कुमार, श्री दीपक जैन, डॉक्टर अमित कुमार जैन सहित अन्य मौजूद थे।
चारों मंदिरों और मंदिरों को पूरा ये मंदिर का वैभव बड़ा अद्भुत है। जो यह धातु की चौबीस ही है, ऐसी धातु की चौबीस ही कहीं भी देखने को नहीं मिलती। पुरानी कोई 800 वर्ष पुरानी है, देखते ही मन हो गया। और मैंने कहा भैया से सुमत बिना देखे रह नहीं पाएगा। और मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने भगवान के दर्शन किए, आपको कैसा लगा होगा? जरा बोलिए तो कैसा लगा?
की तरफ पत्नी पन्नी देवी जिनको हम बाबा रामा पर अपने प्रेम से पत्नी वाली बोलते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन पशुपति मंदिर धर्मशाला इनके लिए समर्पित किया है। मैं आज सबसे आग्रह करता हूँ कि पन्नी भाभी का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। पिछले करीब 6-7 साल से परसों आने की शौचालय बाबा की दर्शन करने की मेरी तमन्ना थी, पर पुण्य की कमी थी इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली और पुण्य का समझता हूँ कि शौचालय बाबा की दर्शन करने आने के बाद पता पड़ा कि काफी समाज के भी अनुशासन होकर गए थे और काफी मंदिर भी थे, उसमें करीब 6 मंदिर भी मौजूद हैं और सारे प्राचीन मंदिर हैं। और यहाँ का जो सरस्वती जिनाले देखा, ऐसा कारीगरी का सरस्वती जिनाले मैंने भी कहीं भी नहीं देखा। और महाराज सुनाता रेड्डी जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी उस सरस्वती जिनाले की खूब तारीफ की और उनके भी ये सब थे जैसा इन लोग यहाँ के लोगों ने कहा कि ऐसा जिनाले कहीं देखने को नहीं मिला। और यहाँ के काफ़ी उत्साह के साथ इनके जीर्णोद्धार के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं। दिल्ली दरवाजे बड़े दिल्ली दरवाजे पर जब दिल्ली जाने के पहले दिल्ली दरवाजा बड़े बड़ा है, वो कारा बाबा करे सहाय जो यहाँ रहता है कारा बाबा उसकी सहायता करता ही करता है।
के बंधु सदन में विराजमान सभी साधर्मी बंधुओं सबको सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जब ये मंदिर की कल्पना की कि आज जीर्णोद्धार होना चाहिए, उस समय से ही सहयोग किया। फिर प्रकाश जी सेठ जी वगैरह यहाँ जितनों ने भी 11 रुपए से लेके क्योंकि अपने मन से चिश्ती भी राशि लगाई, हम सब बसों वाले उनके आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं जो इसी तरह अपना आशीर्वाद हमको देते रहेंगे। मैं जिन्होंने तन मन धन के अलावा यहाँ उपस्थित होकर के सीधा सीधा हर तरीके के निर्माण में यहाँ के कार्यों में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बसवा समाज की तरफ से उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे, मार्गदर्शन किया। उनमें इंजीनियर्स भी हैं, उनमें आर्किटेक्ट्स भी हैं, उन सब लोगों का आभारी हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारा उत्साह बढ़ता है क्योंकि यह आबादी नहीं है, जनसंख्या कम है, आप दर्शन करने आते हैं वही हमारे लिए जैन समाज बसवा के लिए आशीर्वाद है। मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग हमेशा सदैव आते रहेंगे, कथा बनाते रहेंगे। मैं अंत में सबको यहाँ पधारे हुए खास तौर से हमारे भाई साहब आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, श्रीमान गोदा जी, राणा जी, विनय जी, धन कुमार जी, प्रकाश जी और सबसे ज्यादा सबसे शुरू से प्रारंभ से जिन्होंने सहयोग किया आदरणीय रतनलाल जी भाई साहब, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और आर्थिक हर तरीके का सहयोग दिलाया उस बैनर पूरे परिवार को एक साथ जो मंच पर विराजमान है, राजकुमार जी सेठी, वास्तुकार जी, प्रेमचंद जी चावड़ा, जो भी लोग यहाँ विराजमान है, यहाँ जो इंजीनियर आए, खासतौर से विनय भाई साहब, मणि जी, सबके नाम नहीं ले सकता, समय भी नहीं है, सबका बहुत बहुत आभार हूँ। सुधांशु जी भाई साहब अपेक्षा रखता हूँ, मानवीय जी जाते हुए आते रहेंगे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही अतिथि गणों द्वारा मंच से सभा को संबोधित भी किया गया। ये कीर्ति स्तंभ से धन कुमार जी जैन परिवार बाहुबली इनके लिए दिल्ली वालों ने बनाया है, उनके लिए साधुवाद है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके अंदर यहाँ अभी धर्मशाला बनी है और एक प्रोफेशनल हॉल बनाया है, वो भी उसके लिए भी यहाँ के समाज द्वारा सहयोग से बनाया गया है। बसवा गांव में काला बाबा का मंदिर है जो लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में चतुर्थ काल की पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान है। मूर्ति पर कोई चिन्ह नहीं है लेकिन भक्ति भाव से प्रेम व समझने पद्म प्रभु भगवान कहते हैं। बसवा गांव के अंदर काला बाबा के मंदिर के अलावा 5 और मंदिर भी हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, 800 साल पुराने हैं लगभग सब। और यहाँ के दीवान अमरचंद जी हुए हैं जिन्होंने महावीर जी का मंदिर बनाया है। आप देखो इतना प्राचीन मंदिर है, पहले कभी 750 घर हुआ करते थे, अब यहाँ कुल मिला के 5 घर रह गए हैं। इतिहास तो ये कहता है कि
कि यहाँ पे कभी 38 जिनाले थे, लेकिन मुगलों के आक्रमण की वजह से और अन्य कारणों से ये घट के 6 रह गए हैं। हम सब इनकी सुरक्षा के लिए, इनके यशोवर्धन के लिए, इनके मान सम्मान के लिए हम सब प्रयत्नरत हैं। सारा समाज वाले इसके अंदर कंधे से कंधा लगा के सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं काला बाबा के क्षेत्र की और अधिक से अधिक वृद्धि हो, धर्म लाभ हो। मैं अशोक लोहाड़िया, जब से बसुआ के मंदिर से जुड़ा हूँ, मुझे इस मंदिर से इतना लगाव हुआ है कि मैं रात को 12 बजे भी मुझे कोई कहे कि बसुआ चलना है तो मैं तैयार हो जाता हूँ। इसके जीर्णोद्धार में मेरी भी भूमिका रही है और मंदिर जितना सुंदर है उससे ज़्यादा काला बाबा की प्रतिमा है। काला बाबा से मेरी मान्यता है कि काला बाबा से जो कुछ भी कोई मांगता है वो उसको तुरंत मिलता है। काला बाबा मुंह बोलती मूर्ति के सामने खड़े होकर कोई मांगता है तो वो उसको मिलता है। काला बाबा बसुआ का, बसुआ के अंदर जो काला बाबा है वो पूरे जग में आज की तारीख में प्रसिद्ध हो चुके हैं। और मंदिर का, मंदिरों के जीर्णोद्धार के अंदर हमारे यहाँ के जो अनिल जी जैन हैं और माणक चंद जी जैन साहब, इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये लोग सब तन मन धन से इसमें जुड़े हुए हैं। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी मंगलमय प्रस्तुतियाँ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।